श्रीनगर में आज दो ग्रेनेड हमले हुए। फतेह कदम और बादशाह ब्रिज के पास तैनात सीआरपीएफ जवानों पर हुए इस हमले में 4 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक नागरिक भी जख्मी हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई की है। जेकेएलएफ के चेयरमैन यासीन मलिक को उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया है, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद किया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पहले से ही घर में नजरबंद है। पुलिस के मुताबिक ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि ये अलगाववादी नेता सीआरपीएफ की गाड़ी से कुचलकर एक पत्थरबाज की मौत पर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर ना निकल सके। अलगाववादी नेताओं ने इसके विरोध में कश्मीर घाटी में आज बंद का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजों की देश विरोधी हरकत का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो श्रीनगर के नौहट्टा इलाके का है, जहां कल दोपहर जुमे की नमाज के बाद सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। सैकड़ों लोगों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी से सीआरपीएफ की गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, जिसके नीचे दबने से एक पत्थरबाज की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में सीआरपीएफ के श्रीनगर यूनिट के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। आप देखेंगे, जब आपकी जान पर 500 लोग आ जाएं और इतना थ्रेट, डायरेक्ट थ्रेट हो, जो पोटेंशियल थ्रेट हो, वैसी सिचुएशन में आप घिर जाएं। उन्होंने बैलेंस तरीके से अपनी गाड़ी को उधर से निकालने की कोशिश की और वो वहां से निकल पाई। हालांकि इस घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जीप से बांधते थे, अब जीप से दबा रहे हैं। Well, they have handed over everything to New Delhi, and New Delhi has handed everything to RSS in Nagpur. It has lost every moral right to rule the state. उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीरी नेताओं के लिए सुरक्षा बल आसान निशाना है। ये कश्मीर की राजनीतिक हलकों में एक तरह का चलन बन गया है कि सेना को लेकर के आसानी से उनकी आलोचना की जाती है, भले ही कोई प्रमाण हो कि ना हो। 7 जून को नागपुर में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। प्रणब मुखर्जी ने एक बंगाली अखबार को दी इंटरव्यू में कहा है कि वो इस बारे में पूछे जा रहे सभी सवालों का जवाब नागपुर में ही देंगे। जो कुछ भी मुझे कहना है मैं नागपुर में कहूंगा। मुझे कई पत्र आए और कई लोगों ने फोन किया, लेकिन मैंने किसी का जवाब नहीं दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आरएसएस के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी के शामिल होने का विरोध कर रहे लोगों पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में नानाजी देशमुख मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुए नायडू ने कहा कि भगवान बुद्ध की संघम शरणम गच्छामि की शिक्षा भले ही भगवान बुद्ध ने दी हो, लेकिन इस वक्त देश की सियासत ने इसे अपना लिया है। दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटरी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अट्रैक्टेड ऑल दोस हु पुट एवरीथिंग हु पुट कंट्री अबव एवरीथिंग एल्स लाइक नानाजी देशमुख। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। पुरुलिया के एसपी का तबादला कर दिया गया है। आकाश मघारिया पुरुलिया के नए एसपी बनाए गए हैं। जिले में 3 दिन के भीतर बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। कल 32 साल के बीजेपी कार्यकर्ता दुलाल महतो का शव बिजली के टावर पर टंगा मिला। वहीं 30 मई को 18 साल के त्रिलोचन का शव पेड़ से लटका मिला। टीएमसी के लोगों ने उसकी हत्या की है। ममता जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो कि वहाँ पर हत्या करने के लिए उनके गुंडों को उकसा रहे हैं, उन्होंने 4 दिन पहले ही बयान दिया कि हम पुरुलिया को विपक्ष विहीन करेंगे, विपक्ष शून्य करेंगे, और उसके बाद से हत्याओं का दौर चालू हो गया। ये दूसरी हत्या है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं की हत्या पर दुख जताते हुए इसे ममता बनर्जी सरकार की नाकामी बताया। बलरामपुर में पार्टी के एक और कार्यकर्ता दुलाल कुमार की हत्या के बारे में जानकर परेशान हूं। पश्चिम बंगाल की भूमि में निरंतर क्रूरता और हिंसा शर्मनाक और अमानवीय है। टीएमसी ने इस घटना को घिनौना करार दिया है, लेकिन इसे बजरंग दल, माओवादियों और बीजेपी की मिलीभगत बताते हुए पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। अपनी यात्रा के आखिरी दिन पीएम ने सिंगापुर के मरियम्मन मंदिर में पूजा की, चिलुआ मस्जिद गए। चिलुआ मस्जिद सिंगापुर की सबसे पुरानी मस्जिद है। मस्जिद में पीएम को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। पीएम मोदी मशहूर बुद्ध टूथ रेलिक बौद्ध मठ गए। मान्यता है कि भगवान बुद्ध के दांत का एक बचा हुआ अंश यहां रखा गया है। पीएम चांगी नेवल बेस भी गए, भारत और सिंगापुर के नौसेना अधिकारियों से मुलाकात की। पीएम ने यहां युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा को भी देखा। नौ सैनिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया।
हर हिंदुस्तानी के दिल में आपके प्रति एक प्यार हमेशा। लड़ाइयाँ तो बहुत कम होती है, मरने मारने वाली घटनाएं तो बहुत कम होती हैं, लेकिन इस प्रकार की जिंदगी प्रेरणा दे। अपनी 5 दिनों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के बीच आज सिंगापुर में मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई इस मुलाकात के दौरान साझा हितों, ग्लोबल हितों से जुड़े मुद्दों और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में साउथ चाइना सी का मुद्दा भी अहम रहा। पीएम मोदी और मैटिस की मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले पेंटागन ने अपने पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है। इसे अमेरिकी सेना के लिहाज से भारत के महत्व का एक सांकेतिक कदम माना जा रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपना सरकारी बंगला छोड़ते छोड़ते सियासी चाल चल दी है। मायावती ने लखनऊ के 13A मॉल एवेन्यू के अपने सरकारी बंगले को छोड़कर उसे कांशीराम स्मारक स्थल घोषित कर दिया है। मायावती ने कहा कि इस परिसर से कांशीराम का खास लगाव था, जिसकी वजह से इस बंगले को 2011 में कांशीराम यादगार स्थल में बदला गया था। शासन आदेश दिनांक 13/1/2011 के तहत अब ये भाग भी खाली होने पर मान्यवर श्री कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल का ही भाग कहलाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपना बंगला खाली कर दिया है। वो नया घर तैयार होने तक अपने परिवार के साथ VVIP गेस्ट हाउस में रहेंगे। मॉनसून के आने के साथ ही केरल समेत देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम को देखते हुए इन इलाकों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। वहीं बेंगलुरु में भी तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। गुजरात के अमरेली में भी तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से कई जगह पेड़ उखड़ गए और सड़कों पर पानी भर गया।